बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रेलिवेंट होगा। हमने लास्ट टाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में से जो स्टार्ट किया हुआ था वो हमारा पोर्शन जो है वो टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग था। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने कहा टूल्स वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मीन्स इंस्ट्रूमेंट की जगह यहाँ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं जिनसे हम और करके लड़की सर, तुम लोग के सर का लेक्चर था। तो उनमें से टूल्स में से सबसे पहला एक टूल जो है जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स हमने कहा कि तीन चार चार एंजाइम हम यूज करते हैं। फिर इसी तरह से हमने कहा वेक्टर्स। फिर हमने उनमें से कुछ दो तीन वेक्टर्स डिस्कस किए। आज हम उसी में से वेक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो वेक्टर है वो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है। हमने वेक्टर में स्टार्ट किया विद प्लाज्मिड, सबसे जो इन्फेंसी का या सबसे पुराना हमारा यूज या रेगुलरली यूज्ड मिनिमम लेवल पे, छोटे लेवल पे जो है बहुत छोटा जीन इंसर्ट करने के लिए या बहुत छोटा करेक्टर इंड्यूस करने के लिए वो हमारा प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड क्योंकि एक पार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट कर सकता है डीएनए से इंडिपेंडेंटली, और वो कोई ना कोई करेक्टर इंड्यूस कर सकता है। रेजिस्टेंस के खास तौर पे कॉमन ही कॉमन फैक्टर्स हैं। तो प्लाज्मिड क्योंकि कुछ करेक्टर इंड्यूस कर सकता है, तो ये अगर हम इसमें डीएनए भी इंसर्ट कर दें तो ये डीएनए भी के करेक्टर्स भी इंड्यूस कर सकता है नए ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसमें हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अगर हम ये प्लाज्मिड कंटेनिंग बैक्टेरियम जो है वो उससे इन्फेक्शन करवा दें किसी ह्यूमन को, तो वो ह्यूमन में वो प्लाज्मिड जो है उस बैक्टीरियम को वो वाले फीचर देना शुरू कर देगा जो डीएनए हमने उसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस तरह से हम उसकी कुछ डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंडली हमने कहा कि हमारे पास फेज वायरसेस होते हैं। तो फेज वायरस में, फेज में प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं और अपना डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं उस सेल के अंदर। और अगर वो डीएनए इंसर्ट कर दें और वो डीएनए हमारा रिक्वायर्ड डीएनए हो, तो वो डीएनए और जो होस्ट का अपना डीएनए है वो आपस में लाइसोजेनिक लाइसोजेनी फेज में आ सकता है। लाइसोजेनिक से मुराद कि वो उसके साथ एक हाइब्रिड बना सकता है, अटैच हो सकता है। तो वो अटैच करके फिर रेप्लीकेट करना शुरू होता है। तो इस तरह से ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर के तौर पर यूज होता है वैक्टर। तीसरा वैक्टर हमने जो पढ़ा वो इन दोनों का कम्बिनेशन था, एक हाइब्रिड था ऑफ प्लाज्मिड एंड अ फेज वायरस, उसको हम कॉज्मिड कहते हैं। तो कॉज फॉर कोहेसिव साइट्स ऑफ लैम्डा फेज वायरस है। कोहेसिव साइट्स ऑफ लैम्डा फेज वायरस आर टर्म्ड एज कॉस एंड मिड इज फ्रॉम प्लाज्मिड। सो वन सीक्वेंस, वन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड एंड वन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ लैम्डा फेज बैक्टीरियम, लैम्डा फेज वायरस। सो दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल वर्क एज अ वेक्टर, विल अपियर बोथ एज विल कंटेन द करेक्टर्स ऑफ द प्लाज्मिड एंड आल्सो कंटेन द करेक्टर्स ऑफ फेज वायरस। वी कैन लोड इट इन अ बैक्टीरियम एंड वी आल्सो कैन लोड इट इन अ कैप्सिड ऑफ अ वायरस। सेकेंडली उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ा। तो आज हमारा चौथा वेक्टर है जो कि फोर्थ वेक्टर हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये पहले तीनों जो हमने पढ़े हैं, पहले दो जो हमने पढ़े हैं वो एक्चुअली नेचुरल थे। प्लाज्मिड इज अ नेचुरल वेक्टर व्हिच इज प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरियम। इट कैन इंड्यूस करेक्टर्स, स्पेशल करेक्टर्स टू बैक्टीरियम, सो इट कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्रोटीन्स व्हिच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय अ बैक्टीरियम टू सर्वाइव इन अ कंडीशन। सो इट कैन प्रोड्यूस दोज प्रोटीन्स एंड कैन हेल्प बैक्टीरियम टू सर्वाइव इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट। सेकेंड इज ऑल्सो नेचुरल, अ फेज दैट कैन इन्फेक्ट अ टिश्यू और अ सेल एंड कैन रेप्लीकेट, कैन टेक कंट्रोल ऑफ द सेल एंड रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली टू फॉर्म न्यू फेजेस, और इट हैव एन अदर फेज विच इज लाइसोजेनिक फेज। द थर्ड वन वॉज कंस्ट्रक्टेड, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड सो वी कैन एक्चुअली लोड ग्रेटर अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। प्लाज्मिड्स कैन इंट्रोड्यूस ओनली मैक्सिमम ऑफ 8,000 टू 10,000 बेस पेयर्स, मीन्स 10 किलो बेस पेयर्स।
that is the maximum limit of plasmid. A phage can take up to 30 kilo base pair, 28 kilo base pair phage can uptake, depending upon the capacity of capsid and its different features jo humne usko select kiya hua. फिर हमने कॉस्मिड को कहा, तो कॉस्मिड हमने इसलिए लिया कि कॉस्मिड फिर कॉस्मिड के करेक्टर जरा ज्यादा थे, वो ज्यादा बेस पेयर्स को लोड कर सकता था. तो उसमें से हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो कॉस्मिड्स हैं, कॉस्मिड्स ऑलमोस्ट 48.5 किलो बेस पेयर तक लोड कर सकते हैं, क्योंकि इनमें टेम्परेट, ये टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट स्टेज में भी होते हैं. तो लेकिन ज्यादातर ये उसमें दूसरे लाइसोजेनिक फेज में रहते हैं. इनमें दोनों साइडों पे कॉसेंड्स होते हैं, जहां से हम इनकी कॉसेंड से हम इनकी कटिंग कर सकते हैं और फिर हम इसके ऊपर लोड कर सकते हैं जो हम रिक्वायर करते हैं. अच्छा, तो ये तीसरा वेक्टर था जो कि थोड़ी सी सुपीरियरिटी देता था कि हम ज्यादा बेस पेयर लोड कर सकते हैं, यानी कि हम 48 किलो बेस पेयर या 48.5 किलो बेस पेयर टू बी एक्यूरेट, जिसको हम 48-49 किलो बेस पेयर्स कहते हैं, ये हम उसमें लोड कर सकते थे. तो जो फिर अब हमने कहा कि ये भी कम है. एक्चुअली जब हमने कोई ह्यूमन जीन इंसर्ट करना होता है तो हमारा ह्यूमन जीन जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, वो इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स है और उसमें बेस पेयर्स थोड़े इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. अगर हमने कोई सिर्फ छोटा सा करैक्टर इंड्यूस करना था तो वो करैक्टर के लिए प्लाज्मिड सफिशिएंट है, करैक्टर इंड्यूस करने के लिए वो सफिशिएंट है हमारा फेज भी. या फॉर एग्जांपल हमने कोई इंसुलिन का जीन अगर डालना है तो इंसुलिन का जीन 10,000 बेस पेयर्स का होता है, यानी कि 8-10 किलो बेस पेयर्स का होता है, तो वो हम प्लाज्मिड पे लोड कर सकते हैं. लेकिन इससे बड़ा अगर जीन होगा, यानी कि इंसुलिन तो एक प्रोटीन है छोटी सी जो कि बननी है, अगर हमें कोई सेल्स बनाने हैं, हमें कोई टिश्यूज बनाने हैं, हमें कोई स्ट्रक्चर डेवलप करना है किसी चीज़ का, लिवर का फंक्शन जनरेट करना है, तो उसके लिए हमें जो जीन चाहिए होता है वो बहुत बड़े साइज का होता है. तो वो कॉस्मिड तक लोड नहीं कर सकता, यानी कि हमारे पास तकरीबन, ये हम किलो बेस पेयर में बात कर रहे थे, तो हमारे पास जो डीएनए होते हैं वो तकरीबन मेगा बेसिस में होते हैं. मेगा यानी कि 10^6 की बात की जा रही, किलो 10^3 की बात की जा रही, तो तकरीबन मेगा बेसिस का जीन हमें लोड करना पड़ जाता है, तो वो कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पिछले तीनों वेक्टर्स के अंदर. तो इसको फिर ओवरकम करने के लिए नए तरीके का वेक्टर बनाया गया जो कि क्रोमोसोम ही कहलाया. ये हमारे क्रोमोसोम्स ही डेवलप किए हुए हैं, तो इनको हम फिर क्योंकि खुद से कंस्ट्रक्टेड हैं तो इसलिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कहते हैं. तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्चुअली डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने इन विट्रो असेंबल किया हुआ है, यानी कि हमने ये लेबॉरेटरी में बनाए हुए हैं, किसी सेल के अंदर नहीं है, कोई बायोलॉजिकल मीडिया में नहीं है, ये इन विट्रो बनाए हैं जो कि कंटेन करते हैं फिर डिफाइंड वेरी स्पेसिफिक जेनेटिक बेस पेयर्स, कौन कौन से बेस पेयर, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके ये डीएनए की एक फ्रेगमेंट बनाएंगे, ये डिफाइंड जेनेटिक बेस पेयर्स हैं इसमें. तो जब एक डिफाइंड आप बना लेते हैं कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे नया शुरू होगा, यहाँ पे दूसरा खत्म होगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे प्रमोटर लगा है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लगा है, वेरी कंट्रोल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से आगे चलता है, वेरी कंट्रोल्ड उसका सेंट्रल टेलीमेयर जो सेंट्रल पॉइंट होता है वेरी कंट्रोल्ड है, जहाँ से उसने शुरू करना है उसकी अनवाइंडिंग करनी, वो बहुत डिफाइंड है और कंट्रोल्ड है. इसकी वजह से फिर ये गारंटी देता है, गारंटीड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, कि वो उससे फिर जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो फिर ये देता है, गारंटी वही देता है, जिसमें फिर वही, क्योंकि ये क्रोमोसोम की तरह का ही हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ये फेज की तरह का नहीं है, ये ह्यूमन क्रोमोसोम की तरह का, या यीस्ट का है तो यीस्ट के क्रोमोसोम की तरह, या बैक्टीरिया का है तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह का ही हमारा ये डीएनए बन जाता है. तो वो डीएनए नेचुरल क्रोमोसोम की तरह वर्क कर सकता है इन द सेम वे, और नेचुरल क्रोमोसोम की तरह रेप्लिकेट कर सकता है. अच्छा, ये बात तो बड़ी बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको जरा थोड़ा सा समराइज करने के लिए ये है कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो नेचुरली फाउंड क्रोमोसोम नहीं है, लेकिन ये जस्ट लुक लाइक द सेम क्रोमोसोम है जैसे ह्यूमन का, बैक्टीरिया का, या यीस्ट का होता है.
या पी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है, उनका जैसे क्रोमोसोम होता है तो उसी तरह का क्रोमोसोम है। ये बने हुए जो हैं ये सिंथेटिक हैं, ये हमने लैब में बनाए हैं, हमने डिफाइंड जेनेटिक पेयर्स लगा के बनाए। हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कि ये वाला जीन हमने इंसर्ट करना है, तो हम वही जीन की सीक्वेंस बना लेते हैं इसके ऊपर। यानी कि हमने अब इसके ऊपर लगाना नहीं है, हमने ये बनाना है। हमने वही जीन की सीक्वेंस बना ली और उसको डबल हेलिक्स कर दिया और क्रोमोसोम बना लिया। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये ऑलवेज ऐसे ही रहेंगे, तो इसलिए ये स्टेबल मेंटेनेंस देंगे। तो इस तरह को हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो अगर हमने ये इसलिए बनाए हैं, थोड़ी सी रीज़न ये मैंने जो आपको पहले शुरू में बताई थी वो ये है कि जब हम मैपिंग करते हैं या कम्प्लेक्स जीन मैपिंग से मुराद है हम उसको बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमने बनाना है एक जीन, तो मैपिंग या फिर उसका एनालिसिस करना होता है, तो उसमें हमें जब वेक्टर चाहिए होते हैं, हमने कहा कि एक वेक्टर चाहिए होता है जिससे वो आगे डीएनए फ्रेगमेंट्स को कैरी कर सकता है। तो वो वेक्टर जो हम पहले तीन पढ़ चुके हैं उनमें लैम्डा सबसे बेहतर वेक्टर था, कॉस्मिड जिसको कहते हैं, लेकिन कॉस्मिड का भी ये था कि वो स्मॉल साइज ऑफ इंसर्ट्स को लोड कर सकता है, लेकिन हमें उससे भी बड़े बड़े चाहिए होते हैं, कॉम्प्लेक्स जीनोम चाहिए होते हैं, तो जिसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, प्रोसेस हमें समझ नहीं आता। तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमन डीएनए फ्रेगमेंट 1 MB के साइज तक लार्ज भी लोड कर सकते हैं और वो उसको आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कमिंग टू द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के। उसमें बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है, इस तरह यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है, पी मीडिएटेड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है, पी माइक्रोजम मीडिएटेड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है। इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। तो हम सारे क्रोमोसोम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इनमें सिर्फ यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हैं, किससे, यीस्ट से, डीएनए ऑफ यीस्ट लेके हमने ये बनाया हुआ है। डीएनए ऑफ यीस्ट जिस तरह का था उसी तरह का हमने डीएनए कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, यानी कि ये सैक्रोमाइसीज सर्विसीज सर्विसी जो है वो उस यीस्ट, ये यीस्ट के जो टाइप है हमारी, इस यीस्ट का डीएनए से हमने इसको ड्राइव किया हुआ है। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो एज अ वेक्टर काम करते हैं, ये वेक्टर करेंगे, काम करेंगे क्लोनिंग के लिए यीस्ट के सेल के अंदर, यीस्ट में ये क्लोनिंग कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन डीएनए के जो जीनोम हम यीस्ट के अंदर डालना चाहते हैं कि यीस्ट की ये प्रॉपर्टी आ जाए, तो वो ये इंड्यूस कर सकता है, ये उसमें के लिए वेक्टर के तौर पे काम कर सकता है। और ये इसकी लोडिंग कैपेबिलिटी जो है वो 500 किलो बेस पेयर्स होती है साइज में, यानी कि ये 10^3 की 0.5 की बात हो रही है ना, 0.5 MB की बात हो रही है, तो इसकी कैपेबिलिटी जो है वो 0.5 MB तक होती है। ये सबसे पहले डेविड बर्क ने बनाए थे 1987 में यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इनसे फिर उसने यीस्ट की प्रॉपर्टीज, प्रोटीन फॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं योगर्ट बनता है फ्रॉम मिल्क, तो वो यीस्ट की वजह से बनता है। तो अगर ये किसी इंडिविजुअल में प्रॉब्लम हो और वो हमने कोई बॉडी में हम अगर कोई चीज़ इंजेस्ट करनी है तो वो इंजेस्टेबल सिर्फ यीस्ट से है, और वो यीस्ट एब्सेंट है, वो यीस्ट नहीं है हमारी बॉडी में, तो हम फिर उस तरह का यीस्ट डिवेलप कर सकते हैं और वो हम उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं ह्यूमन को, जिससे वो फिर वो वाले यीस्ट के करेक्टर्स देना शुरू कर देगा और वो वाली जो हमें रिक्वायरमेंट है वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो एक्चुअली ये बनाए जाते हैं वेरी इजीली, हम कहते हैं कि हम बना लेते हैं इनको उसी तरह से जैसे डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड जैसे होता है, हम प्लाज्मिड की तरह का सर्कुलर डीएनए बना लेते हैं बेस पेयर्स लेके, टिपिकली वो वाले बेस पेयर जो हमें चाहिए वो बेस पेयर प्लाज्मिड के ले लेते हैं। प्लाज्मिड हम क्योंकि प्लाज्मिड बन भी जाते हैं, हम इन विट्रो बना लेते हैं, बहुत से प्लाज्मिड हमने बनाए हुए हैं, वो प्लाज्मिड जो कि किसी ना किसी बैक्टीरियम के अंदर वर्क करते हैं। तो हम जो सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड बना लेते हैं सबसे पहले, वो दैट प्लाज्मिड दैट कंटेन्स द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर यीस्ट सेल्स, यीस्ट टिश्यूज,
यीस्ट के सेल्स के लिए जो चाहिए वो हम बना लेते हैं, एक सर्कुलर प्लाज्मिड, उसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करते हैं, वो दो हिस्सों में कट हो जाते हैं, फिर हम उनको रेप्लिकेट करवाते हैं, फिर डीएनए लाइगेज लगा के उनको डीएनए सीक्वेंस बना देते हैं, फिर उनका जो वो यीस्ट का बन जाता है ना, वो प्लाज्मिड सेट के यीस्ट हो जाते हैं। यानी कि हमने सबसे पहले प्लाज्मिड लिया, डीएनए प्लाज्मिड का लिया, उसको हमने एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट किया, फिर हमने उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगाए कम्प्लीमेंट्री सारी की सारी, वो जो कि यीस्ट की हैं, यीस्ट के सेल की हैं, वो बेसिस हमने उसके ऊपर लगाए। तो प्लाज्मिड और यीस्ट का जो है वो उसके सामने यीस्ट के आना शुरू हो, प्लाज्मिड के सामने यीस्ट की बेसिस आना शुरू हो जाएगी। तो अब यीस्ट की बेसिस को दोबारा काट लेंगे हम, यानी कि ये लाइगेशन करेंगे, तो ये दोबारा सर्कुलर डीएनए बन जाएगा, इसको हम दोबारा कट कर देंगे। दोबारा कट करके अब यीस्ट वाली फ्रेगमेंट ले लेंगे, उस फ्रेगमेंट के ऊपर हम फिर जो डिजायर्ड डीएनए है, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो उसके ऊपर दोबारा लगा दिया जाता है लीनियर डीएनए के ऊपर, तो वो एक सर्कुलर डीएनए यीस्ट डीएनए डेवलप हो जाता है। ये काम हम डिजायर्ड डीएनए यानी कि हम उसके अंदर डाल रहे हैं जो कि यीस्ट की अपनी सीक्वेंस है। तो अगर कम्प्लीमेंट्री एंड मैं अब आपको थोड़ा सा ये समझा दूं, एक बात यह है कि यीस्ट प्लाज्मिड हमने लिया सर्कुलर प्लाज्मिड, उसको हमने कट कर लिया एंडोन्यूक्लियेज़ से कम्प्लीमेंट्री एंड में, अब कॉस साइड्स में, कोसिव साइड्स में, तो कोसिव साइड्स के ऊपर हमने वो न्यूक्लियोटाइड डाले जो कि यीस्ट के थे, वो यीस्ट के न्यूक्लियोटाइड ने प्रमोटर से शुरू करके तो सारी सीक्वेंस बनाना शुरू कर दी। अब हमने इनको दोबारा कट कर लिया, दोबारा कट करके यीस्ट सामने आ गया, ये यीस्ट जो है पूरे का पूरा इस तरह से सामने आ सकता है या यीस्ट दो हिस्सों में कट के सामने आ सकता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज़ अगर स्पेसिफिकली आप मिथाइलेशन के पोर्शन से लगाएंगे तो वो आधा इधर को काट देंगे, आधा इधर से काट देंगे, जहां पे आपने लगाया है मिथाइलेशन या ग्लूकोसाइडेशन ग्रुप उस जगह से वो काट देंगे, हाफ इधर को हाफ इधर को। तो आप जहां से काटना चाहते हैं, जहां आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाना चाहते हैं, आप वहां से इसको काट सकते हैं। तो हम उसको कट कर दें उस जगह से, तो वो आधा उधर चले जाएगा, आधा उधर चले जाएगा। तो जो जीन हम दरमियान में लगाना चाहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो हम इस साइड से जहाँ पे मिथाइलेशन की थी उधर एक साइड पे अटैच कर देंगे और दूसरी उस साइड पे अटैच कर देंगे, तो जीन सेंटर में अटैच हो जाएगी। और फिर इसके हम कम्प्लीमेंट्री बना के इसको डबल हेलिक्स डेवलप कर लेते हैं, सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए बना लेते हैं। ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है। थोड़ा सा ये इसमें अगर आप देखें फिगर में, तो ये एक हमने वेक्टर बनाया हुआ है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। एक्चुअली यहाँ से शुरू करते हैं, ये जो है हमारा एक प्लाज्मिड है ई कोर आई, ये मैंने आपको बताया था ई कोर आई, ई कोर आई कह लें इसको। तो ई कोर आई हमारा एक प्लाज्मिड है, तो ये हमने एक प्लाज्मिड लिया हुआ है। प्लाज्मिड को हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज़ से ट्रीट किया और हमने उसमें से एक एक्सोजीनियस पार्ट जो कि बेस आर आई का था, फॉर एग्जाम्पल ये अगर देखें तो ये यहाँ पे इस पर्पल में इसको इंडिकेट किया गया है, ये ईकोराई का वो पोर्शन डाइजेस्ट कर दिया हमने, वो निकाल दिया यहाँ से, ईकोराई ये सारा है ना, तो उसमें से इतना पोर्शन डाइजेस्ट कर दिया, इसको निकाल दिया, यानी कि ईकोराई जो पोर्शन था प्लाज्मिड का वो वहाँ से हटा दिया गया, बाकी सारे को ट्रीट किया गया विद एंडोन्यूक्लियेज़। जब एंडोन्यूक्लियेज़ से हमने ट्रीट किया तो ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें से जो ग्रुप निकल आया, वो ग्रुप निकलने की वजह से ये आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मिथाइलेशन की थी, यहाँ पे हमने मिथाइलेशन की हुई थी, तो हमने जब एंडोन्यूक्लियेज़ से ट्रीट किया तो उसने इसको इधर और इसको इधर कर दिया, ये इधर आधा आधा सीक्वेंस इस साइड को चलेगी। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये यहाँ से निकाल दिया, तो आगे ये वाला ग्रुप एक ग्रीन ये शुरू हो गया ब्लैक तक, ये ग्रीन ब्लैक तक ये ग्रुप बन गया, एक फिर ये ग्रीन से ये ब्लैक तक, ये ग्रीन से ये ब्लैक तक, ये दो में कन्वर्ट हो गया जब हमने इसको किसी एक इस जगह से एक्चुअली हमने एंडोन्यूक्लियेज़ से ट्रीट किया, तो आधा ये बना दिया उसने, आधा ये बना दिया, दो बन गए, ये दो अलग अलग सीक्वेंस बन गई, इसको लेफ्ट आर्म कह लें, इसको राइट आर्म कह लें। अब जो हमने डीएनए इसमें डालना था वो डीएनए हमने लिया
उसमें से हमने इसी तरह से इकोराई पोर्शन डाइजेस्ट किया, वो ख़त्म किया, उसको कम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट किया, कम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करके इनके दरमियान में लाइगेज डाला, तो वो इसके और इसके दरमियान में इस तरह से अटैच होगी। तो एक पूरी सीक्वेंस ये यीस्ट का ये, और फिर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर, और फिर ये यीस्ट की बाकी सीक्वेंस। ये जो है एक्चुअली जो एक सीक्वेंस कन्वर्ट होती है इस वाले यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर की, उसको हम कहते हैं कि ये तकरीबन 10^3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स की होती है। इसी तरह से दूसरी भी 10^3 यानी कि किलो बेस पेयर इधर, किलो बेस पेयर इधर। लेकिन हम जो ह्यूमन का डाल देते हैं या कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट यीस्ट का डाल देते हैं, ह्यूमन का अगर हमने डालना है तो ह्यूमन का हमने डाल दिया है वो तकरीबन मेगा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का, तो वो उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है। यही यही वाला इस एग्जांपल में भी है कि एक पोर्शन ये कट हो गया था, एक पोर्शन ये कट हो गया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एंडोन्यूक्लियेज से ट्रीट किया है, तो एंडोन्यूक्लियेज से यहाँ से ट्रीट करने से एक पोर्शन इधर से ये यहाँ से लेके ये वाइट तक आ जाएगा, और दूसरा फिर उधर से यहाँ से लेके ये वाइट तक आ जाएगा। ये बन गए, इनके अंदर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाला, वो ये लग गया जो डीएनए हमें चाहिए था। ये यीस्ट का भी हो सकता है, ये हमारा जो यीस्ट का भी हो सकता है, और ये हमारा ह्यूमन का भी हो सकता है। इसको फिर हम कल्टीवेट करते हैं और ये फिर कॉलोनीज के फॉर्म में हम ग्रो करा लेते हैं। ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहलाता है। अच्छा, नाउ कम टू द सेकंड वन जो के कहलाता है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है वो एक माइक्रो क्रोमोसोम है, यानी कि ये हमने एक ह्यूमन का क्रोमोसोम बना लिया। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो हमने एक छोटा सा क्रोमोसोम और बना लिया जो अगर हम सेल के अंदर डाल दें तो सेल उसको डिनाय ना करे, सेल उसके अगेंस्ट कोई रिएक्शन शो ना करे, तो वो सेल इंस्टेड ऑफ 46 47 क्रोमोसोम्स का बन जाए, तो इसको हम माइक्रो क्रोमोसोम फिर कहते हैं। यानी कि ये उस साइज का नहीं है, अगर उस साइज का होगा तो ये उसको इफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली जो होता है वो 50-250 मेगा बाइट्स का एक क्रोमोसोम होता है। एक नेचुरल क्रोमोसोम जो ह्यूमन का है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं वो 50 मेगा बाइट्स मेगा बेसिस से लेके 250 मेगा बेसिस तक होती है। तो हम जो डाल देते हैं एक माइक्रो क्रोमोसोम नया, वो उससे बहुत ही छोटा होता है, यानी कि वो 6-10 मेगा बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये 6-10 मेगा बेसिस वाला जब उसमें क्रोमोसोम डाल देता है तो ये क्रोमोसोम फील ही नहीं होता हमारे सेल को, क्योंकि एक माइक्रो क्रोमोसोम होता है तो फील ही नहीं होता। 46 वर्क करते रहते हैं, ये साइड लाइन पे वर्क करता रहता है। तो इसका मतलब है हम फिर एक नया जीन जो कि 47th क्रोमोसोम में डाल देंगे, 47th क्रोमोसोम हमने नए जीन का बना लिया और वो हम सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। ऐसा क्रोमोसोम जो कि फिर एक माइक्रो क्रोमोसोम है और वो वर्क कर सकता है न्यू क्रोमोसोम के तौर पे किसी भी ह्यूमन सेल्स के अंदर, और वो ये एबिलिटी रखता है कि वो न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकता है इनटू अ ह्यूमन। तो ऐसा क्रोमोसोम, मिनी क्रोमोसोम क्या कहलाता है? ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अच्छा, तो इसमें फिर हम अपनी मर्जी से कोई भी ह्यूमन की तरह की सीक्वेंस बना के, जीन की सीक्वेंस बना के, यानी कि हमने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की ही एग्जाम्पल है, तो इंसुलिन में ये बेस पेयर इस सीक्वेंस से लगते हैं तो ये इंसुलिन का एक जीन बनता है। तो हमने वही वाला जीन डिवेलप कर लिया, क्योंकि वो थोड़ी बेस पेयर्स का होता है एक जीन, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर तो मल्टीपल जीन्स होते हैं, एक जीन तो नहीं होता, उसके ऊपर तो बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो हमें तो एक जीन इंसर्ट करना है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो एक जीन जो है वो 6-10 मेगा बाइट्स का होता है, मेगा बेस पेयर्स का होता है, मेगा बेसिस का। तो पूरा जीन जो है वो पूरा क्रोमोसोम तो 50-250 मेगा बेसिस का होता है, उस पर मल्टीपल जीन्स होते हैं। तो एक जीन 6-10 वाला हम जीन कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका डबल हेलिक्स बनाते हैं, सेंटर में जो हमारे टेलोमियर होते हैं वो टेलोमियर डायरेक्ट कर देते हैं, टेलोमियर उसी तरह के लगाते हैं जिस तरह के हमारे ह्यूमन में नेचुरल में टेलोमियर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रोमोसोम
क्रोमोसोम जो है वो बनाए जा सकते हैं डिफरेंट जीन्स के, जो कि वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनमें फिर डिजीज के अगेंस्ट डिफेंस भी है। तो हमने ये बना लिए हैं जो डिजीज के अगेंस्ट डिफेंस भी देते हैं। तो नॉर्मली बनाने का तरीका ये होता है कि हम नेचुरल फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स लेते हैं, यानी कि हमने क्रोमोसोम की फ्रेगमेंटेशन कर ली, जो कि नॉर्मली इंसुलिन की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो हमने एक जीन उसकी फ्रेगमेंटेशन की, उस फ्रेगमेंटेशन में से हमने वो वाली फ्रेगमेंट ले ली जो कि डेवलप करती है किसको, इंसुलिन को, इंसुलिन सिक्रीट करती है। तो वो वाली फ्रेगमेंट लेके हमने पूरा टेलीमियर डायरेक्ट क्रोमोसोम ब्रेकेज की है, यानी कि हमने क्रोमोसोम को ब्रेक किया जिसमें टेलीमेयर भी है, टेलोमेयर भी है, टेलोमेयर डायरेक्टेड क्रोमोसोम ब्रेकेज की है। या फिर हमने रेडिएशन सोर्स लिया है, तो रेडिएशन सोर्स से रेडिएशन इंड्यूस्ड क्रोमोसोम ब्रेकेज की है। तो दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। तो हम कोई इसी तरह इससे भी क्रोमोसोम की फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो फिर उससे एक एंडोजीनियस फंक्शनल सेंट्रोमियर बन जाएगा। ये जो सेंट्रोमियर होगा इसको हम दूसरे सेल लाइन में डाल के माइक्रो सेल मीडिएटेड क्रोमोसोम ट्रांसफर टेक्निक से एक छोटे क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस जरा मुश्किल होता है, तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें तो सिर्फ एज अ वेक्टर कंसर्न है कि हम एक स्मॉल क्रोमोसोम एज अ वेक्टर डेवलप कर लेते हैं जिसको हम ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे जो थे वो वेक्टर से, और तीन हमने टूल्स, ये दूसरा टूल था वेक्टर, तीसरा टूल जो है वो CDNA कहलाता है। तो थर्ड टूल CDNA वो मैं इसमें नहीं बनाया, वो जनरली आपको वैसे ही बता देते हैं। CDNA जो है उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री DNA। कम्प्लीमेंट्री से मुराद होता है कि वो सीक्वेंस जो के एक नॉर्मल DNA से, किसी भी एक RNA से या किसी DNA से कम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि उल्टी हो। उल्टी से मुराद है कि साइटोसिन की जगह ग्वानिन लगी हो, एडनिन की जगह थायमिन लगी हो, इस तरह से वो सीक्वेंस हो, तो वो कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री DNA हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हमने मैसेंजर RNA का कम्प्लीमेंट्री बनाया हुआ होता है। मैसेंजर RNA का एक कम्प्लीमेंट्री डेवलप किया हुआ है। मैसेंजर RNA हमने इसलिए सेलेक्ट किया हुआ होता है क्योंकि मैसेंजर RNA जो है वो एक प्रोटीन को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मैसेंजर RNA से मुराद है कि मैसेंजर RNA ने एक प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है। मैसेंजर RNA एक जीन से बनता है, तो मैसेंजर RNA जिस जीन से बन के वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए उसमें न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो उसी को हम DNA में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर वो DNA जब भी प्रोटीन बनाएगा, जब भी फंक्शन करेगा, तो वो वही वाला मैसेंजर RNA बनाएगा, कोई और मैसेंजर RNA नहीं बना सकता, तो वो वाला मैसेंजर RNA डेवलप करना शुरू कर देगा। इस तरह से हम उससे अपनी डिजायर्ड प्रोटीन अटेन कर सकते हैं। तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मैकेनिज्म है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक हमारा एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो कि DNA को मैसेंजर RNA में कन्वर्ट करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज फिर एक एंजाइम है जो कि फिर DNA मैसेंजर RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हम वो CDNA टेन, तो ये हमारा तीसरा टूल कहलाता है। इसके बाद शुरू हो जाता है प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहले हमने टूल्स पढ़ लिए, अब हमने उन्हीं टूल्स को यूज करके प्रोसेस रन करना है। तो बस ये थोड़े से स्टेप्स हैं, ये डिटेल से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल से, लेकिन उससे पहले हम ये सिर्फ इनको बाय हेडिंग देख लें कि हमने कैसे कैसे प्रोसेस रन करना है। तो जो प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये इन 9 स्टेप्स पे कॉन्स्टिट्यूट करता है। इन 9 स्टेप्स में 2-3 टेक्निक्स भी है जो हम नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे PCR है डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, वो भी हम पढ़ लेंगे इसमें। इसी तरह हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोबियल एसे टेक्निक, वो भी हम इसमें आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में पढ़ लेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स भी इसमें डिस्कस हो जाएंगी, वो हमें सेपरेटली नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना होता है या अटेन करना होता है, और फिर हमने उसको आइसोलेट करना होता है उस सोर्स से जिस सोर्स से हमने उसको आइडेंटिफाई किया या हमने अटेन किया है। सेकेंडली फिर हमने एक वेक्टर सेलेक्ट करना होता है, यानी कि कोई माइक्रोजम, अगर फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मेड की बात हो रही है या फेज की बात हो रही है तो वो हमने वो सेलेक्ट करना है, या कॉस्मेड या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की बात हो रही है तो वो एक अप्रोप्रिएट वैक्टर हमने सेलेक्ट करना है।
हम प्रिलिमिनरी से एग्जांपल लेंगे, मैं आपको प्लाज्मिड से एग्जांपल दूंगा ताकि ज्यादा प्रोसेस समझ आ जाए आपको। उसको हम फिर क्लोन करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम उस वेक्टर के साथ, जीन ऑफ इंटरेस्ट और उस वेक्टर का एक हाइब्रिड बनाएंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। फिर हम उसकी एम्पलीफिकेशन करेंगे, यानी कि हम उसका बहुत ज्यादा कॉपीज बनाएंगे, इतनी ज्यादा कॉपीज बनाएंगे कि वो एक जीन ही है, जो एक हमारा डबल हेलिक्स बना था वो मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट होके पीसीआर से वो डेवलप हो जाएगा, तो बहुत सारी बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगी विद इन फ्यू मिनट्स। इसमें इसको हम ये जो अब हमारा ये जो मिलियन ऑफ कॉपी बन गई, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड की बन गई होंगी, तो ये प्लाज्मिड अब हमारे पास बन गया है जो बहुत सारी कॉपीज में, इसको अब हम माइक्रोरिज्म के अंदर डालेंगे, तो अब ये माइक्रोरिज्म के अंदर रेप्लीकेट करें, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर प्लाज्मिड इंसर्ट हो गया है, और उनको सेपरेट करेंगे उनसे जिनमें प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका, इसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद फिर जब वो हम आइसोलेट कर लेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग प्लाज्मिड, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बैक्टीरिया को, ताकि वो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए, और वो प्लाज्मिड इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए, बैक्टीरियम विद प्लाज्मिड इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाए कि वो हम एक इंजेक्शन की नीडल भर लें, एक इंजेक्शन रेडी कर लें, या क्लोन हमारे पास जो बन जाए वो क्लोन कंस्ट्रक्ट डेवलप हो जाए, एक ऐसी कॉलोनी बन जाए जो कि अब कोई आगे जाके एक्सप्रेशन दे सकती है, एक्सप्रेसिव हो सकती है। फिर हम उसको जो हमने क्लोन बना लिया उसको हम इंजेक्ट कर देंगे किसी भी रेसिपिएंट में, रेसिपिएंट के टिश्यूज में, जैसे ह्यूमन में है, ये जीन थेरेपी कहलाएगी, इसको हम थेरेपी कहते हैं। फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या वो जीन रेसिपिएंट के जीनोम में एक्सप्रेसिव है या नहीं है, तो वो लास्ट स्टेप होगा कि एक्सप्रेशन उसकी चेक की जाएगी। ये जो 9 स्टेप हैं, इन 9 स्टेप्स को हम प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें हम 2-3 डिटेक्टिव टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, एक डिटेक्टिव टेक्निक जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर एक छोटी सी टेक्निक जिसको हम डीएनए या आरएनए सिलेक्शन कहते हैं, यानी कि हम साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इस तरह के नाम से जाने जाते हैं, कोई ब्लॉटिंग टेक्निक भी छोटी सी डिस्कस करेंगे। फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करके उसके अंदर हम क्लोन करेंगे, उसको क्लोन करेंगे विद आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर हम उसकी कॉपीज बनाएंगे, तो हम उसमें पीसीआर डिस्कस करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, तो ये आपको समझाएंगे कि पीसीआर क्या होता है और पीसीआर का क्या बेनिफिट होता है। फिर जब वो बहुत सारे बन जाएंगे प्लाज्मिड, तो उसको फिर हम माइक्रोरिज्म में डालेंगे ताकि वो माइक्रोरिज्म ग्रो करें। फिर हम माइक्रोरिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्लाज्मिड है, तो फिर जिनमें प्लाज्मिड होगा उनको हम रेप्लीकेट करवा के एक क्लोन बना लेंगे, क्लोनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, क्लोन बन जाएगा, वो क्लोन हम फिर इंजेक्ट करेंगे ह्यूमंस में, ये जीन थेरेपी कहलाएगा, इससे हम थेरेपी रन करेंगे, और फिर हम उसको एट द एंड उसकी एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि जीन ने कुछ एक्सप्रेशन दी या नहीं दी, यानी कि हमने इंसुलिन फॉर एग्जाम्पल जीन डाल दिया था, तो क्या इंसुलिन सिक्रिएट हुई है या नहीं हुई, तो ये थेरेपी का रिस्पॉन्स होता है या उसकी एप्लीकेशन होती है, तो ये हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो ये बच्चों कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कर सकते हैं, आप थ्रू व्हाट्सएप यूज़ क्वेश्चन मीडिया यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लाइव भी क्वेश्चन अभी 1 मिनट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात दोबारा होगी, रिकॉर्डिंग